करें, क्या कहना चाहेंगे आप अपनी इस फिल्म को लेकर के? आज तीन फिल्म का मुहूर्त है, क्या कहना चाहेंगे? पहले जाऊंगा दर्शकों का सर, यहाँ देखिए अभी तीनों अलग कॉन्सेप्ट हैं, मुझे ऐसा लगता है कब तक ऐसी फिल्म में नहीं आएंगे ना। एक के डायरेक्टर हैं सुजीत कुमार, ये दिल आशिकाना बोलू माही खान, एक और लड़की है वो प्रिया जी है, और दूसरी फिल्म है गदर जो रमाकांत जी डायरेक्ट कर रहे हैं, और उसमें पवन सिंह हैं, मोनिसा जी हैं, सुभी शर्मा हैं, प्रिया शर्मा जी हैं और संजय पांडे जी हैं। और बाकी लास्ट वाला है फिल्म दिलवाले जो विक्रांत जी और गुरु और मोनालिसा जी हैं, बाकी अभी स्टार्ट का फाइनल नहीं है। सर बात करें गदर और दिलवाले, ये बहुत अच्छा बिजनेस कर गई है हिंदी मूवी, तो कैसा कुछ रहेगा आपका ये भोजपुरी फिल्म में, उससे मिलता जुलता है या कुछ अलग कुछ करता है? सर उससे तो काफ़ी कुछ अलग है, ध्यान में पूरा रखा गया है कि मतलब उससे अलग हो और दर्शक को जो चाहिए उसमें मिले। सर मूवी की शूटिंग कहाँ होगी? शूटिंग कहाँ पे होगी सर? सर लखनऊ में होगी, लखनऊ जगदीशपुर शुक्ल बाजार। सर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की फिल्म बंधु, तो कितनी उम्मीदें हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, अगली सरकार से? अभी सर उम्मीदें हैं, अभी तक कुछ पॉजिटिव नहीं आया है। चार फिल्में मैं लखनऊ में शूट कर चुका हूँ, लेकिन अभी ना सब्सिडी में मुझे कुछ हेल्प मिला है, लेकिन कोशिश ये है कि शायद इस बार कुछ हो जाए। अखिलेश यादव जी मुंबई दौरे पे आए थे, उन्होंने फिल्म बंधु को बढ़ावा देने के लिए यह बात कही थी सब्सिडी की, तो कितना उसका आपको लाभ मिल पा रहा है अभी? अभी सर कुछ भी लाभ नहीं मिला है मुझे, अभी उम्मीद पे फिर जा रहे हैं, अब देखते हैं इस बार क्या होता है। अगला सवाल करो सर, कितने सॉन्ग है सर इसके अंदर? पहले वाले में 10 सॉन्ग है, नेक्स्ट में 9 है और नेक्स्ट में 9 है। तो सिंगर की बारे में, सिंगर कौन सर, कौन कौन है इसके अंदर? सिंगर आलोक जी हैं, पवन जी खुद ही हैं, और फिलहाल कल्पना जी हैं, इंदु सोनाली जी हैं, अभी इतना ही नाम ध्यान में आ रहा है मुझे। सर स्टार कास्ट कौन कौन है इसके अंदर? पहले वाले में बोलू हैं और प्रिया जी हैं, माही खान हैं, तीन है पहले बोलू सोलो है उसमें। सेकंड वाले गदर में पवन जी हैं और मोनालिसा जी हैं, सुभी जी और प्रिया शर्मा जी हैं, और थर्ड वाले में विक्रांत जी हैं और बोलू जी हैं और मोनालिसा जी हैं, अभी कुछ बाकी आते हैं इसको। सर दर्शकों को क्या मैसेज देंगे सर इस मूवी के बारे में? कि अपने हिसाब से हम 100% कुछ अलग करना चाह रहे हैं, बाकी इसका अभी सही किया गलत किया है दर्शक ही उसका जवाब देंगे। फिर आप कुछ कहना चाहते हैं? आप भी कुछ बोले इस फिल्म के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? इससे कैसे कैमरा आगे ले रहे हैं, कुछ तो कहिए इन तीन फिल्मों के बारे में। फिल्म बनने के बाद तो पब्लिक बताएगा क्या है, फिल्म तो अच्छा बनाते सब लोग, बाकी तो पब्लिक बताएगा। गदर से एकदम हट गई है। तो क्या कुछ गांव देश की सभ्यता को दिखा रहे हैं अपनी फिल्म में? एकदम मिट्टी से जुड़ा हुआ है काम, और सबसे अलग है सर, और हमारे फिल्म में आपको गंदगी नहीं मिलेगी। मिसाल है चार फिल्में हैं, नाम बोलता हूँ, यूट्यूब पे देख लेना, जान तेरे लिए, विधायक जी, तीन बुड़बक, जब प्यार किसी से होता है। आप अपने फैमिली के साथ देख सकते हैं, अपने मम्मी के साथ देख सकते हैं, बहनों के साथ देख सकते हैं, तो ऐसा वो कोशिश कर रहे हैं कि ताकि फैमिली जुड़े हमारी फिल्मों से। जो आप, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, बड़े बड़े मेकर हैं, मैं तो आज आया हूँ, तो कोशिश यही है कि मतलब अच्छे लोग देखें और बस फैमिली के साथ देखें, तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा, हमारा उत्साह बढ़ेगा, हम और अच्छा काम कर सकते हैं, बस यही बोल सकते हैं सर। और क्या बोलें, तीन फिल्म का मूड है, क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले मैं अपने सारे भोजपुरी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। मैं सुजीत कुमार सिंह, अभी यहाँ पे जिस फिल्म का मुहूर्त हुआ है, फिल्म का नाम है ये दिल आशिकाना, जिसका डायरेक्टर मैं हूँ। दूसरी फिल्म हुई गदर एक प्रेम कथा, जिसका डायरेक्टर है श्री रमनकांत प्रसाद जी। तीसरी फिल्म दिलवाले, जिसके डायरेक्टर है श्री भूपेंद्र विजय सिंह। तीनों भोजपुरी फिल्म है जो जिस इंदिरा फिल्म इंटरनेशनल के बैनर तले और राजपूत फिल्म फैक्ट्री के बैनर तले तीनों फिल्में बन रही है। आपकी फिल्म की बात करें शॉर्ट कट पे, तो आपकी फिल्म जो है किस, क्या टाइटल है, किस तरह की? देखिए हमारी एक फिल्म है, टाइटल है ये दिल आशिकाना, हमारी फिल्म है ये दिल आशिकाना टाइटल है, और एकदम भरपूर रोमांटिक एक्शन लव स्टोरी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दर्शकों को इसमें सब कुछ मिले, जिससे जिस उम्मीद को लेकर दर्शक थिएटर में जाते हैं। कास्ट की बात करें कौन कौन कैमरा, इसमें कास्ट है ऋषभ कश्यप,
तो पहले 4 आर्टिस्ट में काम करते थे, इसमें मेल लीड में काम कर रहे हैं, उनका बोली थे प्रीति बिहारी, माही खान, विलन है उमेश सिंह, लता तिवारी, रामा वर्मा, ये हमारे लोग कास्ट। आखिरी सवाल म्यूजिक की बात करें, किसने म्यूजिक दिया है? साइलेंस। इस फिल्म के म्यूजिक दिया है राजेश रजनीश जी ने। म्यूजिक तक सर बहुत ही लाजवाब बना है, बाकी इसका जवाब दर्शक देंगे। ऋषभ कश्यप और लोग वैसे मुझे गोलू के नाम से जानते हैं। मेरी पहली मूवी आई थी निरहुआ रिक्शा वाला, तो उसमें वो कैरेक्टर था गोलू, उस मूवी से वो कैरेक्टर काफ़ी फेमस हो गया था, तो लोग मोस्टली वो इसी से नाम से जानते हैं। आज की अगर बात करें, आज की मुहूर्त है, आपके किरदार को लेकर किस तरह का किरदार है आपका, क्या है? ये किरदार मुझे लगता है अभी तक जितनी मूवी आई है मेरी उसमें उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। थोड़ा सा मासी कैरेक्टर है, थोड़ा रफ है और थोड़ा शैतान भी है, और एक जगह जाके काफ़ी इमोशनल भी है, तो एक तरह से अच्छा चैलेंजिंग है। और आपके साथ में और कौन कौन? मेरे साथ में है इस मूवी में प्रिया शर्मा जी हैं इसमें, और कौन है? प्रीति ध्यानी जी हैं, उमेश सिंह जी हैं, और भी काफ़ी लोग हैं। क्या उम्मीद है इस फिल्म से आपको? उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा, इस मूवी के गाने बहुत अच्छे बने हैं, स्क्रिप्ट में काफ़ी टाइम से मेहनत चल रहा है, और हमने कैरेक्टर को भी काफ़ी ध्यान रखते हुए काफ़ी मेहनत किया कैरेक्टर को, काफ़ी टाइम से मैंने चल रहा, आई थिंक अच्छा होना चाहिए। इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? म्यूजिक इस फिल्म का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मेरे सारे गाने आप जितने इसमें बने हैं वो बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब है। इस मूवी में एक गाना है जो कल्पना जी ने गाया है, क्या गाना है वो? रुक रुक, वो काफ़ी 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 मेरे दिल के करीब होगा। म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? जिस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर मेरे पापा ही हैं, राजेश झा, और वो पहले से उन लोग करते आ रहे हैं, राजेश रजनीश, ये उनका सोलो उसका पहला शायद से। इस फिल्म के डायरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस फिल्म के डायरेक्टर हैं हमारे सुजीत कुमार जी, उन्होंने मैंने उनके साथ काफ़ी मूवी की है, आई थिंक 6-7 मूवी कर दी है, तो ये उनके साथ मेरी 8वीं मूवी आई है, और काफ़ी अच्छा करते हैं वो, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। और ये जो बैनर है इंदिरा फिल्म इंटरनेशनल विद राजपूत फिल्म फैक्ट्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये संजय सिंह जी बहुत ही कूल इंसान है, बहुत ही रिस्पेक्टेड इंसान है, मैं दिल से उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, और बहुत ही क्या कहूँ मैं, डाउन टू अर्थ है, मतलब वो एक प्रोड्यूसर होकर ऐसा कभी महसूस नहीं होने देते कि वो प्रोड्यूसर है, ऐसा लगता है मेरे अपने अंकल हैं या मेरे बड़े पापा के जैसे मुझे। किस टाइप की मूवी सर आजकल? मूवी हमें बहुत ज़्यादा मूवी का उतना आइडिया नहीं है, लेकिन संजय जी और राजेश उनके जो पार्टनर हैं ये इतनी अच्छी फिल्में ये लोग बनाते हैं, इनकी पहले भी इनके फिल्मों से मैं जुड़ा रहा हूँ, एज इनके दोस्त, एज मार्केटिंग मैं जुड़ा हूँ, बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं। अभी सुनने में आया है कि ये 3 फिल्में बना रहे हैं, एक दिलवाले बना रहे हैं, गदर बना रहे हैं पवन सिंह को लेके, एक वो गोलू है ऋषभ, बहुत टैलेंटेड लड़का है, उसके साथ हमारी एक कंपनी की फिल्म अभी रिलीज हुई है दीवाना 2, जो कि ऑल इंडिया बहुत अच्छा बिजनेस कर गई है। तो ये 3 फिल्म संजय सिंह राजपूत जिनका राजपूत फिल्म इंटरनेशनल और इंदिरा फिल्म इंटरनेशनल के नाम से कंपनी है वो बना रहे हैं, मैं अपनी तरफ से, मेरी कंपनी आदि शक्ति एंटरटेनमेंट की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जिस हिसाब से ये सिनेमा के लिए, और नए नए बच्चों को मैंने इस बार नाम देखा कि काफ़ी नए नए बच्चे ये लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और जब तक ऐसी कंपनियां नए नए बच्चों को, नए नए आर्टिस्टों को इंट्रोड्यूस नहीं करेगी, उनको बैकअप नहीं देगी, तो कैसे नए टैलेंट इस इंडस्ट्री में आएंगे? तो मैं बधाई देता हूं मेरी तरफ से इनको कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और इस तरीके से अच्छा सिनेमा बनाते रहे, फिल्म इंडस्ट्री का भला होता है। सर इसकी शूटिंग कहाँ कहाँ होगी सर? शूटिंग मैं सुन रहा हूँ कि अधिकतर इतने गाँव में करेंगे, लखनऊ के आसपास इनका जो गाँव है वहाँ पे करेंगे, उनकी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर है, इनका अपना लोकेशन है, अपने होटल्स हैं, अपने सारा कुछ है, तो संपन्न लोग हैं वहाँ करेंगे, ऐसा जो अभी मैं अंदर बात कर रहा था इनसे जो मुझे पता लगा, शूटिंग वहाँ करेंगे, और इनका म्यूजिक वगैरह पे काम चल रहा है, आर्टिस्टों के साथ उनका काम चल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में क्या बोलूँ, सही ढंग से काम कर। सर सिंगर में कौन होगा सर इसके अंदर, और डायरेक्टर में कौन होंगे? देखिए डायरेक्टर जी है इसमें, एक तो रमाकांत प्रसाद वो डायरेक्टर हैं, एक इनके दोस्त डायरेक्शन दे रहे हैं, सुरजीत जो अभी
हमारी भी काफ़ी फिल्में उसने की है, ये तीन डायरेक्टर तीन अलग अलग फिल्में कर रहे हैं। अभी ये जो गोलू के साथ फिल्म कर रहे हैं ये तो सुजीत जी कर रहे हैं, और गदर जो टाइटल है पवन सिंह के साथ वो रमाकांत प्रसाद जी कर रहे हैं, और एक फिल्म के इनके दोस्त हैं दिल वाले जिसका अभी कास्टिंग नहीं हुई है, उसका डायरेक्शन वो खुद करेंगे।